हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं देखो क्या बना रही हूँ। ये देखो, ये चीनी का वो बन रहा है और ये गुजियों का रखा हुआ था बचा हुआ, तो ये ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन रखा रहेगा। तो मैं इसको ना पंजरी जमा दूँगी इसकी। इसमें मेवा उवा डली हुई है और मैं इसमें थोड़े से ना मखाने डालूँगी, क्योंकि गाइस मैं मखाने इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी ऐसे तो खाती नहीं है, और मखाने जो होते हैं वो हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं सोच रही थोड़ा खाएगी, ऐसे खा लेगी तो हड्डी में थोड़ी सी शरीर में जान आएगी। तो इसमें मेवा कुटी हुई है और मखाने थोड़ा डाल रही हूँ उसमें, थोड़ा ज़्यादा से डालूंगी मखाने, बहुत टाइम के रखे हुए थे मखाने। हमारे भाई दोस्त पे है ना, भतीजे को है ना, गोले की जगह ना इतने मखाने देते हैं, तो आधा एक किलो मखाने रखे थे, कोई खा नहीं रहा था घर में। तो इस बहाने से है ना खा भी लेंगे और काम भी आ जाएंगे। तो इसलिए गाइस मैंने के पड़े पड़े वो खराब हो रहे हैं, कामयाब कर देती हूँ। तो गाइस पंजरी बन जाएगी, और मैंने ये गुजिया रखी थी, गुजिया कोई नहीं खा रहा था, तो ये गुजिया मैंने चीनी में चीनी पका के और उसमें डबो के निकाली चाशनी में। तो इस बहाने से दोनों ये खा भी लेंगे बाप बेटे। थोड़ी चीनी का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन चीज़ भी तो ख़राब नहीं करनी है। आपको तो पता ही है खोया कितना महंगा आ रहा है, और इसमें खोया मिक्स है तो खोया ख़राब हो जाएगा फ्रिज में। बताइएगा गाइस क्या कर रहे हैं आप सब? डिनर हो गया? तो गाइस आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है गाइस, मेरा बेटा भी बीमार है, आपको पता है मेरी मम्मी भी बीमार है। तो गाइस जब ये जम जाएगी, पंजरी मारी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें कलर भी डाला है चाशनी में, हल्का सा जो लड्डू में कलर डालते हैं ना वो रखा हुआ था, तो एक चुटकी मैंने इसमें कलर भी लगाया है, कलर से थोड़ा अच्छी हो जाएगा ना। तो गाइस मिलती हूँ मैं तुम्हें अगले ब्लॉग में। बाय बाय।